मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बता रही हूँ देसी गुलाब की कटिंग कैसे लगाते हैं। देसी गुलाब की कटिंग लगाई जाती है इंग्लिश और हाइब्रिड की कलम को देसी गुलाब पर ग्राफ्टेड किया जाता है। इस वीडियो में आपको मैं पॉटिंग लगाने का तरीका भी बताऊंगी। जिस तरीके से मैं बताऊंगी, अगर इस तरीके से कटिंग लगाएंगे तो आपकी कटिंग खराब नहीं होगी। गुलाब की कटिंग में कौन सी गलती करने के कारण आपकी कटिंग खराब होती है, इस बारे में मैं आपको बताऊंगी। अगर आप वो गलती नहीं करेंगे तो कटिंग बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, 100% सक्सेस। को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये कटिंग लेनी है। कटिंग हमें ऐसी लेनी है जो ज़्यादा ब्राउन भी ना हो और उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो रही हो, इस तरह की कटिंग लेनी है। अगर ज़्यादा हार्ड कटिंग लेंगे तो भी वो ग्रो नहीं करेगी। मैंने ये कटिंग ली है और ये पेंसिल के साइज के जैसी होनी चाहिए। यहाँ से इधर से शार्प होनी चाहिए ताकि वो मिट्टी में अच्छे से ग्रो कर सके और मिट्टी में पकड़ मजबूत बना सके। अगर आप कोई ऐसी पतली भी कटिंग लेंगे तो वो भी चल जाएगी, लेकिन कोशिश ये करनी है आपको कि इतनी इस साइज की कटिंग लेनी है। अगर आप इस साइज की कटिंग लेंगे तो वो 100% सक्सेस होगी। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसमें ऐसे कट लगा लेंगे इस तरह का, और इधर की तरफ भी इस तरह से ही कट लगा लेंगे। अब सारी कटिंग को ऐसे ही आगे से कट कर लेंगे, जैसे कि कलम होती है, इस तरह से इसका आगे से कर लेंगे। इधर भी ऐसा ही कर लेंगे और इसके ऊपर मैं फेविकोल या नेल पॉलिश वगैरह लगा दूंगी। अब ये साइज कटिंग का रखना है आपको, 6 या 7 इंच की होनी चाहिए, ज़्यादा लंबाई नहीं होनी चाहिए कटिंग की। अब हम मिट्टी ले लेते हैं। यह मिट्टी मैंने ली है, इसमें कटिंग लगाएंगे, लेकिन हम मिट्टी नॉर्मल मिट्टी भी ले सकते हैं, कोकोपीट भी ले सकते हैं और रिवर सैंड भी ले सकते हैं। तीनों मिट्टी हम ले सकते हैं, उसमें हमारी कटिंग बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन इसमें खाद नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की, कोई हम इसमें खाद नहीं डालेंगे, क्योंकि खाद डालने से ही हमारी कटिंग खराब हो जाती है। अगर हम इसमें खाद नहीं डालेंगे तो कटिंग बहुत अच्छी चलेगी। अब मैं इसमें एलोवेरा लगाऊंगी थोड़ा सा। मैंने कटिंग दी है ऐसे शार्प कट, ये शार्प जो कट किया है ना, ये बहुत जरूरी है। अगर हम इसे नहीं करेंगे तो हमारी कटिंग नीचे से गल जाएगी। अब हम इसमें ऐसे एलोवेरा लगा लेंगे, देखिए मैं इसमें एलोवेरा लगा लेती हूँ, ये लगा लिया मैंने। अब इसको यहाँ पे इसमें छेद कर देती हूँ, मैं इधर से अलग से एक छेद बना देती हूँ इसमें मिट्टी में, ये 2 इंच नीचे होनी चाहिए, 2 इंच तक मैं इसमें छेद कर देती हूँ और ये इसमें लगा देती हूँ। इसी तरह से ये भी लगा देती हूँ मैं। बस हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको बस ऐसे ही छोड़ देना है। अब एक कटिंग और लगा देती हूँ मैं इसमें। जब हमारी कटिंग चल जाएगी हम तभी इसमें खाद ऐड करेंगे। अगर हम पहले खाद इसमें डाल देंगे तो हमारी कटिंग 100% खराब ही होगी। अगर हम इसमें खाद नहीं डालेंगे तो हमारी कटिंग 100% सक्सेस होगी। कटिंग मजबूती से स्टैंड होनी चाहिए, मजबूती से खड़ी रहनी चाहिए, इसमें मिट्टी की पकड़ मजबूत होनी चाहिए। अगर कटिंग नहीं हिलेगी तो ही इसमें ग्रो होगी, जब ही रूट निकलेगी। इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी जब इसमें रूट निकलेगी, इसकी वीडियो आगे बनाऊंगी। अब इस पे नेल पॉलिश लगा देंगे। अब इस पे एक पॉलिथीन ढक देंगे, ऐसे इस पे स्टिक लगा देंगे।